भाई महाराष्ट्र से कोई लेखक आए हैं, तो भाई सभी सभी बच्चे जो है वो अंदर ऑडिटोरियम में गए हैं, देखो इसमें और देखो यहाँ पे कुछ बंदे जो है भाग आए हैं क्योंकि उनको बोरिंग लग रहा है। और यहाँ पर देखो फुब्बारा है और यहाँ पर जो गाड़ी वगैरह है, और इसके अंदर अभी हमको चलना है। चलने से पहले हम गए तो थे, बहुत टाइम बैठे रहे, बट हमको भूख आ गई है तो भाई इस बंदे को शर्म आ रही। यहाँ पर यूनिवर्सिटी में जितने भी पेड़ लगे हुए हैं उस पर सब स्कैन करने के लिए लगा हुआ है कि ये किस वैरायटी का पेड़ पौधा है। हाँ, बादे बनाने के लिए बोल रहा है भाई ये लड़का, तो हमको खाना चाहिए। भाई हम लोगों ने खाना खा लिया है और पानी पीने के लिए जा रहे हैं। भाई पानी मिलेगा? खाली है भाई सब, खाने लिए हमको पानी मिल गया है, बट हमको अभी गिलास नहीं मिले हैं। यहाँ पर जो है काफ़ी सुंदर सुंदर पेंटिंग लगी हैं जो कि हमने ही बनाई हैं सब। करता हूं तो अपना स्वागत भाषण प्रस्तुत करें।
के इस अवसर पर हमारे मुख्य अतिथि श्री पांडुराज तावड़े जी, आदरणीय श्री पांडुराज तावड़े जी से आग्रह करता हूँ कि अपने अथक परिश्रम के साथ ज्ञान एवं अनुभव को सभी के साथ साझा करें और ज्ञान की धारा में हमारे विद्यार्थियों को अभिसिंचित करने की कृपा करें। बहुत धन्यवाद। नसीब में आकर बहुत सारे विचार दिमाग में आ रहे हैं। कल से हम यहाँ पर हैं, बार बार एक ही विचार मन में आ रहा है, अगर दोबारा जन्म होता है तो भगवान की यही प्रार्थना है कि बुंदेलखंड के लिए ही होगा। तो उसके प्रोग्राम के बाद मैं और विजय डिस्कस कर रहे थे कि हमारे कॉलेज की यादें ताजा हो गई कल, और आपने जो गाने गाए यहाँ पे, और सभी गाने उनके फेवरेट थे। तो किसी ने भी परिचय करते हुए बोला कि वैशाली कंपनी के डायरेक्टर है, ऐसा नहीं है, वही मालिक है, मैं नौकर वही करूँगी। आपने चार टाइम में देखा होगा कि मेरे से ज्यादा वही गड़बड़ कर रहे थे। महिलाओं को आदर का सिखाना नहीं पड़ता, जब भी टूरिस्ट आते हैं वही वैसा ही सब देखता है उनका, मतलब वेलकम करने से लेके जब तक टूरिस्ट हमारे काम से बाहर नहीं जाते, एग्जिट नहीं होते तब तक। और इसीलिए आज से ऑलमोस्ट 20 साल में इतने टूरिस्ट आए हैं और इतने हमारे फैमिली रिलेशन हुए हैं, तो वर्ल्ड ओवर में ऐसा कोई देश नहीं होगा कि हमारे मित्र नहीं रहते। और जिन्होंने हाथ ऊपर किया है उनके एक मेरा कि आपका बीएससी एग्री होने के बाद कितने स्टूडेंट्स को करियर एज अ फार्मर करना है, 4-5, अभी धीरे धीरे एक एक उठेगा, फिर ऑलमोस्ट आउट ऑफ 200 स्टूडेंट्स there are hardly 20 students, 10% of the students want to be a professor. Hindustan ek agriculturist country hai. Ab is agriculturist country mein agar kisi ko kisan hi nahi banna hai to aage jaake kya hone wala hai aap soch sakte hain. Maharashtra mein 4 agriculture universities hain aur MSc agriculture karne wale students ko humne ek survey kiya tha. आप तो यहाँ पे 20 विद्यार्थियों ने हाथ ऊपर किया, वहां पे एक भी स्टूडेंट एमएससी एग्री का बोला नहीं कि मुझे किसान ऐसे करियर करना है। जो जिंदगी है वो आसान नहीं है, ऐसा कभी नहीं होता कि 1 लाख रुपए फिक्स डिपॉजिट में रखे हैं तो 12 महीने में आपको 1 लाख के 5% ब्याज मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट आपने दिया है और ऑलमोस्ट 53 करोड़ रुपए ऑफ इनकम ये 600 किसानों को सालाना मिलता है। तो व्हाट इज एग्रीटूरिज्म नाउ? एग्रीटूरिज्म इज विजिटिंग द फार्म, स्टेइंग विद द फार्मर, सीइंग वेरियस क्रॉप्स इन द एग्रीकल्चर, गोइंग अराउंड इन द विलेज, इमर्सिंग इन द ट्रेडिशन कल्चर ऑफ द विलेज, और buying fresh agricultural produce from the farmer, buying art, craft, handicrafts from the village artisans. जैसा एक कहावत था पिछले जमाने में फैमिली डॉक्टर का, यहाँ पे मैं प्रपोज करता हूँ हर एक को, अगर आपने फैमिली फार्मर नहीं बनाया
तो आगे जाके आप सही में फूड सिक्योरिटी का सिक्योरिटी पार्टनर बना दीजिए, तो आप आगे जाके आपको चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक चीज का मतलब हेड एंड टेल तो होता ही है। एडवांटेजेस को एग्रीटूरिज्म, वो चारा देने वाला आदमी आपसे 50 रुपये देता है, फिर वो आप चारा, फिर आप वो चारा गाय को चला जाए देते हैं। बराबर होता है कि नहीं? मंदिर में होता है कि नहीं? मंदिर के बाहर एक गाय रहती है, गाय को आप 50 रुपये चारा देते हैं और गाय को खिलाते हैं, होता है कि नहीं होता है? ऐसा तो वहाँ पर किसी ने आपको बोला है कि आप चारा देने के बाद आपका भविष्य खुलने वाला है। और अमिताभ जी बोले कि आपको टूरिज्म के माध्यम से लोगों को अगर कुछ दे सकते हैं, बहुत सारे लोग, बहुत सारे स्टेट्स, बहुत सारे राज्य के टूरिज्म मिनिस्टर वो हमेशा चिल्ला पुकार करते हैं कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हमारे पास वो नहीं है, हमारे पास योजना नहीं है, हम कैसा पर्यटन को प्रमोट करें, टूरिज्म को प्रमोट करें। मतलब यहाँ से जैसे सर अभी बोल रहे थे कि एक गाय, गाय, गाय का दूध, गाय का गोमूत्र, गाय का गावधन, आप इमेजिन करिए एक गावधन इतना बड़ा होता है, मतलब चपाती होता, फुलका होता है, फुलका जितना गावधन का आपका जो पूरी, वो बॉम्बे में 100 रुपए में जाता है, 100 रुपीज एक गोमूत्र। मतलब आप अभी आप किसान है, सब लोग किसान है, तो आप सभी उसका वैल्यू भी नहीं अभी तक समझे। मतलब जो आपका स्प्रे लगाता है, आप स्प्रे इतना होता है वो 100 मिली का आप जो स्प्रे लगाते हैं आपको 200-300 रुपए देना पड़ता है, लेकिन 100 मिली का अगर आपने गोमूत्र लिया तो मिनिमम आपको 1500 रुपए देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा? मिनिमम 1500 रुपए। महाराष्ट्र में आइए, लास्ट ईयर वन फार्मर फ्रॉम दिस स्वर्गम फेस्टिवल, हम लोग उसके बाहर भी महाराष्ट्र में हुर्रा फेस्टिवल बोलते हैं, HURDA, आप सर्च करिए महाराष्ट्र में HURDA हुर्रा फेस्टिवल। लास्ट ईयर वन फार्मर हैज डन टर्नओवर इन 3 मंथ्स 2.3 crores। बस 2.5 crore का इनकम 3 महीने में, मतलब कौन सा बिजनेस आपको देने वाला है? एक किसान स्वर्गम फेस्टिवल से, हुर्रा फेस्टिवल से आप इतना अगर कमा रहा है तो डेफिनेटली उसमें कुछ होगा। स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप आपके पास आएंगे, जिनके पास मतलब फोटोग्राफी का आएगा, कभी जो लिखते हैं उनको शान अंदर एनवायरमेंट फ्रेंडली, उसमें थोड़ा सा कुछ आपको अगर अभिमान नहीं है, आपके संस्कृति का अगर आपको अभिमान नहीं है, तो आगे टूरिज्म आपके लिए नहीं है। वो अगर आपके ब्लड में है तो डेफिनेटली एग्री टूरिज्म विल नॉट गिव ओनली इनकम, आपको एग्री टूरिज्म खाली इनकम नहीं देगा, आपको सस्टेनेबल इनकम देगा। आपको खाली सस्टेनेबल इनकम ही नहीं देगा, आपको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट देगा, आपको सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, आपको सस्टेनेबल लाइवलीहुड देगा, और सबसे ऊपर आपको एक एक समाज में प्रतिष्ठान देगा। कितना डिमांड है, कितना डिमांड है उसको मार्केट में? जैसे आपने बोला कि ये 2004 का सर्वे था, 43% ऑफ द अर्बन इंडियंस दे डोंट हैव रिलेटिव्स लेफ्ट इन द विलेजेस। 2004 के आज 18 साल हुए हैं, 18 साल में से आपको दो में से एक आदमी को तो मुर्गी फार्म करके, मेरा घर बड़ा था और कच्चा था, तो मुझे लगता था कि मुझे वो न्यूट्रिशन नहीं मिल पा रहे हैं जो पहले लोगों को मिलते थे, जो पहले लोग नेचुरल खेती गोबर की खाद से लेते थे। तो मैंने वहाँ पे फरवा किया और बढ़िया गोबर की खाद को खूब सड़ाया वहाँ पे, डेली मोहल्ले भर का गोबर इकट्ठा करके मैंने वहाँ डालना शुरू किया। उसके बाद मैंने उस पर धनिया बोई और पालक बोई और जो तरोई होती है ना उसको भी बोया, और इसके बाद वो ऐसे उसकी इतनी देखभाल जिस तरीके
पणजी का भुट्टा एक बहुत बड़ा इको स्पॉट बन चुका है टूरिज्म का। 20 साल पहले वो ओक की लकड़ी पर जंगल में बैठ के भुट्टा बेचा करते थे, लेकिन उनकी चटनी जो है 10 तरीके की होती थी। और आज लोग अपने बेटे का, अपने बच्चे का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए स्टूडेंट्स जाते हैं, और उनकी जो आमदनी है सर, जो मैं जब मैं स्टूडेंट लाइफ में मैंने देखा था, तो पर डे 500 रुपीज पर डे वो लेते थे। अपने खेत का ही भुट्टा लेके आते थे और उसको ओक की लकड़ी में भूनते हैं। आज वहाँ पर आपको फूलों मेडिसिनल प्लांट्स का गार्डन भी है, आप वहाँ पे बेंच पर बैठ भी सकते हैं, आप अपनी शाम वहाँ पे गुजार सकते हैं। और सर सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पर रिलीजियस कुछ भी नहीं है, एग्रीकल्चर वालों की तरक्की जब होती है, जब इंडिया की तरक्की होगी, एग्रीकल्चर की तरक्की तभी होगी जब इंडिया के साथ साथ पूरे विश्व की तरक्की होगी, इसके साथ साथ नेशन की तरक्की होगी। तो हमें इस बात पर शर्मिंदा नहीं बल्कि गर्व होना चाहिए कि हमारा बैकग्राउंड एग्रीकल्चर बैकग्राउंड है। ठान लिया है कि एग्रो टूरिज्म को बहुत बढ़ावा देना है, क्योंकि जब किसानों की उन्नति होगी तभी सही मायने में देश आगे बढ़ेगा। ये जो एग्रो टूरिज्म संकल्पना है, ये संकल्पना हम भारत के 15 करोड़ किसानों के पास ले जाना चाहते हैं, ताकि 15 करोड़ किसानों को एक अच्छा शाश्वत रोजगार मिले, शाश्वत आमदनी।